नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं बिंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झाबुआ प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार है टूरिस्ट सांसद, कहा विधायक रघुवर दास ने। रामनवमी अखाड़े में दो गुटों में हुई हिंसक झड़प, तीन हुए जख्मी। और चुनावी दौरे में मुख्यमंत्री पहुंचे शहर, कई मुद्दों पर की बातचीत। और अब खबरें विस्तार से। 2009 में जमशेदपुर के लोगों ने भाजपा को जिताया था, लेकिन मुंडा जी के किए गए कार्यों का हर्जाना हमें 2011 के मध्यावधि चुनाव में भुगतना पड़ा और अब डॉक्टर अजय कुमार को भी अपने किए गए वादों को पूरा नहीं करने के कारण हर्जाना भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी हां, जनता उनसे हिसाब मांग रही है, ये बातें विधायक रघुवर दास ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। इन्होंने कहा है कि प्रदेश में अब तक के रुझान ये बता रहे हैं कि प्रदेश में मोदी की लहर ही नहीं बल्कि तूफान है। उन्होंने केंद्र सरकार पर जनता के साथ धोखा करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस बार जनता कांग्रेस के इस आम चुनाव में सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा है कि हर तरफ मोदी की हवा है, देश परिवर्तन के राह पर अग्रसर है। वहीं उन्होंने जेवीएम प्रत्याशी को टूरिस्ट सांसद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अजय रूप बदलने में माहिर हैं और अब तक तीन बार अपना रूप बदल चुके हैं। श्री दास ने डॉक्टर अजय कुमार के एएसपी कार्यकाल के दौरान उन पर फेक एनकाउंटर करने का भी आरोप लगाया, जिससे संबंधित मामले मानवाधिकार आयोग में चल रहे हैं। श्री दास ने कहा है कि टेल्को में एजीएम रहते डॉक्टर अजय कुमार ने मजदूरों की भलाई की बात नहीं की और ना ही छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया था। इन्होंने ये भी कहा है कि इनके कार्यकाल के दौरान तो बाइफ सिक्स के कर्मचारियों को कंपनी से मिलने वाली मेडिकल सुविधा को भी बंद करवा दिया गया था। श्री दास ने ये भी कहा कि सांसद द्वारा लोगों में बांटे गए कंप्यूटर कहां से लाए गए हैं, उसका जवाब भी सांसद को देना चाहिए, क्योंकि आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार सांसद निधि में कंप्यूटर का कहीं जिक्र नहीं है। श्री दास ने कहा है कि आज डॉक्टर अजय कुमार जिन लोगों को पानी दिलाने के लिए आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, दरअसल 1995 में यही डॉक्टर अजय कुमार ने उन बस्तियों के पानी के कनेक्शन काटे थे और उस समय मैंने ही इसके खिलाफ आवाज उठाया था। वहीं श्री दास ने डॉक्टर अजय कुमार पर पिछले चुनाव में किए किसी भी वादे को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। प्रबुद्ध जनता ने बड़ी इच्छा से एक पढ़ा लिखा पुलिस अधीक्षक रहे, जिनको कानून से लेकर सब विषय की जानकारी है, अगर हमारा प्रतिनिधि बनेगा तो जमशेदपुर का कायाकल्प होगा। लेकिन दुखद पक्ष यह है कि स्थानीय सांसद उन अपेक्षाओं पर खरा नहीं हुआ और जमशेदपुर की जनता या हमने भी मूल्यांकन किया तो हम कह सकते हैं डॉक्टर अजय कुमार को अपनी सुविधा अनुसार कम से कम तीन बार चेहरा बदलते देखा। पूंजीपति के हर खाई में गरीबों पर जुल्म ढाने में इनकी हाथ नहीं कांपते। जब टाटा मोटर्स में एजीएम थे, जो टेल्को के बाइसिक्स के कर्मचारी, जिनको उस समय कर्मचारियों को उसके परिवार को मेडिकल बेनिफिट कंपनी के द्वारा दी जाती थी, छीनने का काम किया और बाइसिक्स के कर्मचारियों को कंपनी के द्वारा जो मेडिकल बेनिफिट दी जाती थी उसको बंद करने का काम किया। इसी तरह हॉस्पिटल या बागवानी जो होता है कंपनी के अंदर बाहर, उस समय सब अस्थाई प्रकृति के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उसको भी इसने आउटसोर्स करके ठेकेदार के कर्मचारी को नियुक्त करने का काम किया। एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाने में माहिर है, पुलिस अधिकारी हो या कंपनी पदाधिकारी,
अथवा सांसद, पूंजीपति के शुभचिंतक होने का चेहरा बेनकाब हो ही जाता है। शिक्षक बनकर यहाँ आए थे तो बड़े ही नाटकीय ढंग से एक प्रतिष्ठित कंपनी के गोद में बैठ गए, में मजदूरों के रहनुमा। बीजू गोपाल की हत्या के बाद उनका क्या रोल था सब सामने है। हमने यह भी देखा फर्जी मुठभेड़ में नरेंद्र बहादुर सिंह, श्रवण कुमार साहू जैसे अनगिनत लोगों की फर्जी इनकाउंटर हुई। प्रकार मीडिया में मैंने पढ़ा सांसद निधि से कंप्यूटर बांटा जा रहा है, और जब कोई एक सज्जन ने आरटीआई के द्वारा से उनके सांसद फंड का पूरा डिटेल लिखाया तो कहीं भी सांसद निधि से कंप्यूटर का खरीद नहीं हुआ। तो कंप्यूटर आया कहां से ये सांसद को बताना चाहिए। एक तरफ मीडिया को आप कह रहे हैं सांसद निधि से हम दे रहे हैं, दूसरा तरफ उनके जो सांसद निधि से जो खर्च हुए उसमें कहीं भी कंप्यूटर खरीद का जिक्र नहीं। अर्जुन मुंडा जी जो काम किए वो जनता के समक्ष है, और जब बाई इलेक्शन हुआ तो जनता उसकी सजा दे भी दी है। अब हम 2.5 साल में जो सांसद काम किए जनता उसको सजा देने को तैयार बैठी है। हम कह सकते हैं कि देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आंधी नहीं बल्कि तूफान चल रही है। और उधर रामनवमी झंडा व पताखा फोड़ने के विवाद को लेकर मानगो संकोसाई खड़िया बस्ती में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें कुल 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी जख्मियों का उलीडी पुलिस ने एमजीएम अस्पताल में इलाज कराया और पूछताछ के लिए अपने साथ थाने लेकर गई। जख्मी अजय प्रसाद ने बताया है कि उनके पड़ोसी रविंद्र उनके घर में पटाखा फोड़ रहा था। यह देखकर वे वैसा करने से मना किए तो उनके साथ गाली गलौज करने लगा। उसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ने पर उनके भाई अशोक मामला को शांत करने आए, तब रविंद्र ने पिस्तौल सटाकर उन्हें और उनके बड़े भाई को पीट कर जख्मी कर दिया जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। जो भी कुछ करना है अपने घर में, दूसरे घर में अगर क्या है फटाखा बाकी करो, फटाखा फोड़ो। कौन आपका मेरा बगल? क्या नाम है इसका? तो कुछ नहीं, आप बताइए। हाँ फिर क्या हुआ? फिर जाने के बाद में कि वो बोला कि भाई तू चुपचाप रहे कि नहीं माना गाली वाली देने लगा। उसके बाद मुझे भी तभी अपना कहाँ रहते आप लोग? खड़िया बस्ती संतोष। हाँ संतोष है खड़िया बस्ती। खड़िया बस्ती का कौन चीज़ से मारा था? कौन कौन था लोग? चलो आराम से डाके मारा। हाँ सामान से डाके मारा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिए हैं? पुलिस आया ना। इन्फॉर्मेशन दिए हैं? पुलिस आया ना। क्या हम सटाया था? बोले हम सामान से डाके मारा। वो भी बोला सामान से डाके मारा। क्या करते हैं लोग? खिलाड़ी में काम करते हैं। वहीं दूसरे पक्ष के जख्मी रविंद्र ने अपने सफाई में बताया कि वह वर्कर्स कॉलेज का BCA का छात्र है। वह रामनवमी के अवसर पर झंडा का पूजा कर रहा था, उसी खुशी में वह कुछ पटाखा फोड़ने लगा जिसके कारण उनका पड़ोसी अजय अपने भाई के साथ उनके घर पर आया और उनके साथ गाली गलौज करने लगा, और देखते ही देखते वे लोग उनके साथ मारपीट पर उतारू हो गए। उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर हिंसक झड़प हुई जिसमें वे और उनका पड़ोसी जख्मी हो गया। घटना के बाद मामला थाना पहुंचा। उसके बाद उलीडी पुलिस ने सभी जख्मियों का इलाज MGM अस्पताल में करवाया। आज कुछ फेस्टिवल था आपका झंडा का, तो मैं गाड़ने जा रहा था तो उसी टाइम कुछ मैंने एक पुराना कुछ फटाखा उठाकर रखा था हमारे पास तो फोड़ा, तो उसी टाइम ये आके बोलने लगे क्यों फोड़ रहा। तो मैंने बोला कि आज ड्यू टू सम फेस्टिवल वी आर सेलिब्रेटिंग, तो उसी में इनका फैमिली आ गया ब्लड उठ के आके मारने लग गया। मैं तो पढ़ रहा था, मेरा एग्जाम है अभी कब तक 25 से। क्या करते हैं? मैं BCA फाइनल ईयर का स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस, तो बस ये आके मारने लगे। लोग आरोप लगा रहा आप पर कि आप आर्म्स भी निकाले थे? नहीं मैं तो बेयर हैंड था, कुछ नहीं था, मैं तो किताब कॉपी लेकर आया था। देखिए यहाँ तक मैं इन लोगों को चोट कैसा लगा? ये लोग कुछ लेके आए मारने के लिए, तो उसके हम धक्का मुक्की में लग गया।
और उधर अपने चुनावी दौरे के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमशेदपुर के सोनारी हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके साथ मंत्री चंपई सोरेन भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जमशेदपुर से स्वर्गीय सविता महतो की पत्नी को लेकर बहरागुड़ा के सभा को संबोधित करने चले गए। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि हमारी पार्टी इस चुनाव में अपना कार्य कर रही है और इसका आकलन हम नहीं कर सकते। इन्होंने बताया है कि कार्यकर्ता अपना फर्ज निभा रहे हैं। वहीं मोदी की लहर पर इन्होंने बताया है कि मोदी डिजास्टर हैं। वहीं आगामी 10 अप्रैल को जमशेदपुर में मोदी की होने वाली सभा पर इन्होंने बताया है कि मोदी की सभा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चुनावी प्रक्रिया है वो तो कर रही है और सब लोग लगे हुए हैं, हम भी लगातार कार्यक्रम में हैं ही। संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत काम करना है। आज हमारे इस लोकसभा में दो कार्यक्रम हैं। अभी हम लोग दो कार्यक्रम गिरिडीह लोकसभा धनबाद लोकसभा का क्या लहर नहीं और डिजास्टर। अब आएंगे कि नहीं आएंगे, आके क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीतिक कार्यक्रम है। हमें उस कार्यक्रम में क्या हम लोग कह सकते हैं। और उधर ड्यूटी जाने के क्रम में पोटका थाना अंतर्गत सोहार्द गांव में टाटा मैजिक वैन की टक्कर से एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं दूसरा मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पोटका कालिकापुर निवासी मोतीलाल कोईवर्ते ने बताया है कि उनका जीजा धीरेन कोईवर्ते और उसका छोटा भाई रामचंद्र कोईवर्ते टिस्को कंपनी में ठेकेदार मजदूर का काम करते हैं। मंगलवार को दोनों भाई एक साइकिल पर सवार होकर काम पर जा रहे थे कि उसी दौरान सोहरदा गांव के सामने एक अनियंत्रित टाटा मैजिक वैन ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसमें दोनों भाई बुरी तरह जख्मी हो गए। उसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पाकर दोनों को इलाज के लिए जेम अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ के डॉक्टरों ने छोटे भाई रामचंद्र कोईवर्ते को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मृत घोषित करने के बाद साक्षी पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मोतीलाल ने बताया है कि टक्कर मारने वाले वैन व वैन चालक को स्थानीयों ने पकड़कर पोटका पुलिस को सौंप दिया है। ड्यूटी जाने के समय गाड़ी से एक्सीडेंट किया। क्या नाम है इनका? इनका राम कोईवर्ते। कहाँ रहते हैं ये लोग? रहते हैं कलकापुर में। कलकापुर थाना क्या पड़ेगा वहाँ? थाना पोटका। कहाँ जा रहे थे लोग ड्यूटी करने? ड्यूटी करने टिस्को आ रहे थे। टिस्को में ठेकेदारी में करते हैं। ठेकेदारी में करते। घटना कहाँ घटा है? घटना सोरदा। सोरदा में छोटा हाथी मारा है? छोटा हाथी मारा। और इनके साथ कौन थे? इनके साथ इनके बड़े भाई थे। क्या नाम है उनका? धीरेन कैबर्ता। धीरेन कैबर्ता। गाड़ी का पता चल गया? गाड़ी का पता चल गया। पकड़ाया है कि नहीं? गाड़ी पकड़ाया है, नंबर ले लिया। जहां एक तरफ कुछ दिनों पहले सिख समुदाय ने झाविमो प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार को अपना समर्थन देने की बात कही, वहीं दूसरी ओर झाविमो के जिला उपाध्यक्ष गुरुमुख सिंह मुखे भी सिख समुदाय से डॉक्टर अजय कुमार के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। एक बैठक के दौरान गुरमुख सिंह मुखिया ने बताया है कि सांसद अजय कुमार ने सिख समुदाय के लिए मैरिज एक्ट को पास करवाया तथा रात्रि रेल सेवा को शुरू किया और इस तरह के कई अनेकों कार्य जनहित में किया है। वहीं इन्होंने भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सिख समाज के विरोध में कार्य किया है और इस मुद्दे को हमेशा से ही राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। वहीं इनसे सिख समाज पर हो रही राजनीति पर कहा है कि राजनीति नहीं बल्कि समाज के हित की बात है और आज के लोग समझदार हैं और जानते हैं कि किसने क्या कार्य किया है। हम झारखंड विकास मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा फर्ज है कि जिस समुदाय से हम बिलोंग करते हैं उनसे हम पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, तो उसका कोई आधार है, इसलिए हम अपील कर रहे हैं। यह आधार उसका जो है कि डॉक्टर अजय कुमार ने सभी माइनॉरिटी स्कूल गुरुद्वारा स्कूल में आधुनिक शिक्षा के लिए कंप्यूटर का वितरण किया। डॉक्टर अजय कुमार झारखंड के जमशेदपुर से पहले ऐसे सांसद हुए जिन्होंने सिख मैरिज एक्ट के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। डॉक्टर अजय कुमार पहले ऐसे सांसद में मुझे लगता है कि
ऐसे सांसद हैं कि जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में जितने भी गरीब लोग इनके यहाँ आते हैं, चाहे वो हमारे सिख समुदाय का हो चाहे दूसरे समुदाय का हो, उनकी गरीब बेटियों की शादी में अपना योगदान देते हैं, गरीबों के इलाज में अपना योगदान देते हैं। मैं समझता हूँ कि जमशेदपुर में कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि मुझे नहीं अभी तक मिला कि जिसने सबसे ज़्यादा गरीबों को इलाज में अपना योगदान दिया। हमारा काम है अपील करना, समर्थन मांगना। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ हमारे सिख समुदाय के लोग आज के डेट में सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सारी बातों को समझते हैं। और निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूं कि इन सारी बातें जब उनके पास पहुंचेंगी, इन सभी बातों की जानकारी उनको होगी, निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूं कि परसेंटेज वोट जो है सिखों का ध्रुवीकरण होगा और झारखंड विकास मोर्चा की और रामनवमी तथा चुनाव के मद्देनजर लंबी दूरियों की बसें लगभग नहीं के बराबर चल रही हैं। जमशेदपुर शहर से बिहार तक बाहरी राज्यों के लिए केवल एक या एक से दो ही बसें चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर बस कर्मचारियों का मानना है कि एक तरफ रामनवमी का माहौल है जिसके चलते रास्ते में कई जगह बसों का तोड़फोड़ किया जाता है, वहीं दूसरी ओर चुनाव का माहौल है जिससे बसों का धड़पकड़ हो रहा है। इस कारण से बसों का परिचालन कम कर दिया गया है। वहीं उन्होंने बस मालिकों को हो रहे नुकसान पर कहा है कि बस का परिचालन नहीं होने में बस मालिकों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। कारण है कि रामनवमी है, सवारी कम निकल रहा है, इलेक्शन है, जहाँ तहाँ गाड़ी पकड़ा रहा है, बस मात्र एक आध गाड़ी चल रही है। कितने हो, एक हफ्ता हो गया, क्या लॉस हो रहा है? डेली लॉस है, मालिक को लॉस है, स्टाफ का लॉस है, सबका लॉस है, एजेंट का लॉस है, लॉस है। कितने भाई रामनवमी के चलते मैंने गाड़ी नहीं जा रही है, कम जा रही है गाड़ी, तो ऐसे विसर्जन कल है लेकिन आज भी फिर भी आदमी गड़बड़ा गया, कहीं शीशा उसका टूट जाए, कहाँ टूट जाए, इसके चलते गाड़ी रोक दिया गया है। इसके प्रभाव तो अभी इधर कुछ मतलब ऐसा कुछ माहौल नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अब आगे कल कुछ भी हो सकता है, इसके चलते आदमी हाँ इलेक्शन में तो धरपकड़ हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल में अभी शांति चल रहा है, ऐसा कुछ धरपकड़ वाली तो बात नहीं हुई है, लेकिन आने वाला समय में तो होगा ही, क्योंकि सरकार की काम होगी तो अपना काम तो करेंगे ही। स्टैंडर्ड मैंने फर्क तो बहुत अच्छा पड़ गया है, क्योंकि देखिए रहे हैं स्टैंड का माहौल पूरा खाली खाली है, और क्या बोलना है। और अब चलते चलते एक नजर तक की झालमो प्रत्याशी डॉक्टर अजय कुमार हैं टूरिस्ट सांसद, कहा विधायक रघुदास ने। रामनवमी अखाड़े में दो गुटों में हुई हिंसक झड़प, तीन हुए जख्मी। और चुनावी दौरे में मुख्यमंत्री पहुंचे शहर, कई मुद्दों पर की बातचीत। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rastriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।